ओके सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है नोडिक चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन के बारे में। वेल एज यू नो, यहाँ पर जो हमारा सैमसंग का गैलेक्सी A50 स्मार्टफोन है, सैमसंग ने इस स्मार्टफोन के लिए एंड्रॉयड 12 का जो अपडेट है वो प्लान नहीं किया हुआ है। एंड यहाँ पर इस स्मार्टफोन के लिए मतलब दो मेजर अपडेट रोल आउट करने थे और वो हो भी चुके हैं। यहाँ पर इसके लिए तीसरा मेजर अपडेट प्लान ही नहीं किया गया था, बट रिसेंटली यहाँ पर कुछ लीक्स निकल करके सामने आ रहे हैं, कुछ फोटोज सामने आ रहे हैं जहाँ पर कि दिखाया जा रहा है कि A50 का जो स्मार्टफोन है, ये जो सैमसंग गैलेक्सी A50 है, इस स्मार्टफोन को एंड्रॉयड 12 और न्यू 4.1 का जो अपडेट है वो मिल चुका है। एंड यहाँ पर अगर आप, मैं आपको फोटो भी दिखाता हूँ, फोटो में आप देख सकते हो मॉडल नंबर सैमसंग के गैलेक्सी A50 का है, जो कि नॉर्मली हमें सैमसंग का A50 देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर इस स्मार्टफोन के अंदर जो अपडेट है वो रोल आउट किया गया है एंड्रॉयड 12 बेस वन यू 4.0। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो मॉडल नंबर है ना, ये A505D है, जो कि आउट ऑफ इंडिया का मॉडल नंबर है। इंडिया में हमें A505F देखने को मिलता है। ये वाला जो स्मार्टफोन है, इसके अंदर हमें MST और NFC दोनों ही चिपसेट देखने को मिल जाते हैं। पूरा कंप्लीट सैमसंग पे हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। ऑल्दो हार्डवेयर सेम है, लाइक Exynos 9611, कोई डिफरेंस नहीं है। एंड इस स्मार्टफोन को भी आई थिंक एंड्रॉयड पाई पर रिलीज़ किया गया था, आई एम नॉट कन्फर्म्ड, बट इसको भी दो मेजर अपडेट मिल चुका अगर एंड्रॉयड पाई पर रिलीज़ हुआ था। बट इस चीज़ के बाद में जो एंड्रॉयड 12 के जो चांसेस है इंडिया के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं सैमसंग के गैलेक्सी A50 के लिए, क्योंकि जो सैमसंग का गैलेक्सी A50 है, इसका जो स्पेसिफिकेशन है वो एग्जैक्टली सेम है। सिंपली सैमसंग ने जो है A50 के अंदर कुछ चेंजेस करे थे बाद में, लाइक MST और NFC चिपसेट डाल करके इन्होंने कुछ कंट्रीज़ में रिलीज़ किया था, जहाँ पर कि जो यूज़र है वो कंप्लीट सैमसंग पे का जो यूज़ है वो कर सके। एंड उसी चीज़ को एग्जैक्टली सेम वही चीज़ करते हुए इंडिया के अंदर A50S को लॉन्च किया। तो इंडिया में A50 के दो मॉडल आते हैं, लाइक A50 और A50S। A50S के अंदर हमें जो है 48 MP का बैक कैमरा देखने को मिल जाता है, साथ में सैमसंग पे देखने को मिल जाता है कंप्लीट, जहाँ पर MST और NFC दोनों ही चिपसेट हमें देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें चलती हैं। बाकी यहाँ पर गुड न्यूज़ यही है कि सैमसंग का जो गैलेक्सी A50 है, उसके लिए जो अपडेट है वो रोल आउट किया गया है। ऑल्दो यहाँ पर जो डिवाइस है वो डिफरेंट है, बट इंटरनली अगर देखा जाए, स्पेसिफिकेशन की बात की जाए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो चेंज की बात की जाए, तो वो सिर्फ और सिर्फ NFC और MST चिपसेट का है, जो कि इंडिया में हमें देखने को नहीं मिलता है। इंडिया में सिर्फ और सिर्फ हमें जो यही डिफरेंस देखने को मिल जाता है उस वाले मॉडल से, बाकी प्रोसेसर और बैटरी, डिस्प्ले, हर एक चीज़ सेम है। तो इस वजह से सैमसंग के गैलेक्सी A50 के जो एंड्रॉयड 12 और UI 4.1 बेसिकली जो यहाँ पर मिला है, 4.1 के जो चांसेस वो बढ़ जाते हैं। देखते हैं सैमसंग कब तक और कितने स्मार्टफोन्स के लिए जो अपडेट है वो रोल आउट करता है, और अगर इंडिया में A50 के लिए अपडेट आता है तो डेफिनेटली आपको हमारे चैनल पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ऐसा कुछ भी पता चलता है तो इसके रिगार्डिंग भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन बिल्कुल टर्न ऑन करके रखें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। साइनिंग आउट।